वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में इसका चर्चा तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 वंस इट वॉज टेबल्ड इन राज्यसभा इट कुड नेवर पास इन लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है लगातार, अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। फ्रॉम ऑल द वुमेन अक्रॉस द नेशन आई रियली सल्यूट हर करेज, बिकॉज उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है, राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है, अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश से देश के महिलाओं से वादा किया है और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया, 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग ओनली बाय टेकिंग वुमेन ऑन द इक्वल फुटिंग विद मेन, वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं, इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है, 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास करके भी उन्होंने पास किया है। तो अगर वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है, तो जरूर महिला आरक्षण बिल पारित करवा सकते हैं, और एक हिस्टोरिकल मौका है महिलाओं के पास। तो मेरा विनती यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है, आप इसमें पार्टी को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ महिला को देखें, सिर्फ और सिर्फ महिला के भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में उसके बारे में सोचें। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में आज 78 मेंबर्स है आउट ऑफ 543, विच इज 14.4%। अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी वेरी लेस देन द ग्लोबल एवरेज। हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है, बांग्लादेश में हमसे ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ब्राजील जहां पे 50% तक जा चुका है। हमारे नेबर्स में देखिए आप, इतनी खराब हालत हमारी महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में है। तो हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी से कि आप यह बिल को पारित करा दीजिए। हमने मार्च इस महीने के सेकेंड मार्च को हमने हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया था कि हम महिला आरक्षण के बिल के लिए
कल यानी मार्च 10 तारीख को हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू अप्रॉक्सिमेटली 18 पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा, उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे। और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश किया है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। और पूरा पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए, व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंटरोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह भी जाएंगे। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज फॉर एवरी कॉमन वुमेन इन दिस कंट्री। आई वॉन्ट टू टेक अप दिस इश्यू एंड वी विल फर्दर टेक अप द इश्यू। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल कंप्लीटली साइड विद देम, सपोर्ट विद देम, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज, वी विल 100% सपोर्ट देम। Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been, ki jahan bhi election hai, wahan Modi se pehle ED pahuncha tha. To hamare Telangana mein bhi yahi hua hai. तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है, सीबीआई के रेड 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में, ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 टू 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पर चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनंती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है तेलंगाना के लिए, आपने क्या किया है,
देश के लिए आपने क्या किया है वो बताइए, तो उनका दिल जीते, बाद में इलेक्शन जीते। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया, उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, दमका दो, दरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं, आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे। और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे, उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया, हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर है और कुछ भी नहीं। देखिए, आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है, सेबी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है, एसबीआई के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद, एलआईसी के डायरेक्टर है उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसीज है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको चार साल को? चार साल के लिए उनको क्यों ले रहे? चार साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रस्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहां से डिमांड करती हूं मोदी जी से, आप चार साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए, क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके ये सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो सात खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये दो इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी, आप काम उस पे करिए, मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए, जरा हमारे तेलंगाना में आके सिख के सामने पेश हो जाए, आंसर करे, क्वेश्चन आंसर करे, किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आए? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है।
महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो वो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की। तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरह है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए